नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे लोहड़ी पर्व क्यों मनाया जाता है और कहाँ से शुरुआत हुई है। आज हमारे साथ में एम्स स्थित गुरुद्वारा के प्रबंधक एवं सेवादार हरदीप सिंह सैनी, जो आपको बताएंगे कि ये पर्व कब शुरू हुआ और कैसा मनाया जाता है और क्या उद्देश्य है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लोहड़ी का जो पर्व है ये पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मनाया जाता है पर्व। और इसमें क्या है, जैसे घर में शादी होती है बच्चे बच्ची की या बेटा होता है, आजकल बेटी भी, कल में गया था वहाँ बेटी हुई थी तो उसने लोहड़ी मनाई है। जब भी खुशी होती है तो हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। तो हमने पिछले 5 सालों से ये जो त्यौहार है गुरुद्वारे में मनाना शुरू किया है। गुरुद्वारे के बाहर हम शाम को 6:30 बजे लकड़ी इकट्ठा करके उसको धुनी लगा लेते हैं और जितने भी समाज के लोग हैं सबको बुला लेते हैं। और जो रेवड़ी हो गई, मूंगफली हो गई, पॉपकॉर्न हो गए, उसका प्रजा सबको बांटा जाता है और आपस में ज्ञानी अरदास कर देते हैं और सब अपनी अपनी खुशी मनाते हैं। मेरी स्कूल से गंदा है और यही आई है। संगीत को नृत्य भी किया जाता है? हाँ, इन किया जाता है, पर यह गुरुद्वारे में ये संगीत नृत्य नहीं होता है। गुरुद्वारे का भजन कीर्तन होता है, इसमें जो आ जाते हैं लोग, अरदास होती है, उसके बाद फिर हम लोग ये नाश्ता होता है। ये संदेश सबको लाख लाख बधाई हो, सब सुखी रहें, खुश रहें। ये नए साल का पहला त्यौहार है, सब इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं और ये संकल्प लें कि साल भर हम अच्छे काम करेंगे, प्यार मोहब्बत में रहेंगे, समाज के लिए कुछ काम करेंगे, समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे, सेवा करेंगे। यही मेरा मानना है और यही मैं बधाई देता हूँ। सारा हिंदुस्तान सुखी रहे, खुश रहें। हरदीप सिंह सैनी जी ने बताया कि ये साल में एक बार त्यौहार मनाया जाता है और साल भर की जितनी भी खुशियाँ हैं उन सबको एक ही दिन हम यहाँ पे सब एकत्रित होते हैं और हंसी खुशी गुरुद्वारा में अरदास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और खुशी का जश्न मनाते हैं। और इसी प्रकार हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय जो कोरोना की महामारी है वो हमारे देश से ना आए, हमारे देश में और देश से दूर ही रहे। गुरुद्वारा में आज हम यही अरदास करेंगे और सभी को उन्होंने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि ये जीवन बहुत कम है, हंसी खुशी मिल बांट कर खुशियाँ बांटते चलो, यही जीवन का सच्चा संसार है। वास्तव में हरदीप सैनी जी ने लगातार दीन दुखियों की मदद करी, सेवा की और गुरुद्वारा में अब लगातार भंडारा होता है और यहाँ एम्स हॉस्पिटल है। एम्स हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर से जो लोग आते हैं बहुत परेशान रहते हैं, उनको यहाँ पर संपूर्ण सुविधाएँ दी जाती है। कोरोना में ऑक्सीजन जैसी सुविधाएँ दी और मेडिकल से संबंधित सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। वास्तव में आज ये पर्व कब शुरू हुआ और कैसा मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लोहड़ी का जो पर्व है ये पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मनाया जाता है पर्व। और इसमें क्या है, जैसे घर में शादी होती है बच्चे बच्ची की या बेटा होता है, आजकल बेटी भी, कल में गया था वहाँ बेटी हुई थी तो उसने लोहड़ी मनाई है। जब भी खुशी होती है तो हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। हमने पिछले 5 सालों से ये जो त्यौहार है गुरुद्वारे में मनाना शुरू किया है। गुरुद्वारे के बाहर हम शाम को 6:30 बजे लकड़ी इकट्ठा करके उसको धुनी लगा लेते हैं और जितने भी समाज के लोग हैं सबको बुला लेते हैं। और जो रेवड़ी हो गई, मूंगफली हो गई, पॉपकॉर्न हो गए, उसका प्रजा सबको बांटा जाता है और आपस में ज्ञानी अरदास कर देते हैं और सब अपनी अपनी खुशी मनाते हैं। मेरी स्कूल से गंदा है और यही आई है। संगीत को नृत्य भी किया जाता है? हाँ, इन किया जाता है, पर यह गुरुद्वारे में ये संगीत नृत्य नहीं होता है। गुरुद्वारे का भजन कीर्तन होता है, इसमें जो आ जाते हैं लोग, अरदास होती है, उसके बाद फिर हम लोग ये नाश्ता होता है, यही है। मेरा ये संदेश सबको लाख लाख बधाई हो, सब सुखी रहें, खुश रहें। ये नए साल का पहला त्यौहार है, सब इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं और ये संकल्प लें कि साल भर हम अच्छे काम करेंगे, प्यार मोहब्बत में रहेंगे, समाज के लिए कुछ काम करेंगे, समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे, सेवा करेंगे। यही मेरा मानना है और यही मैं बधाई देता हूँ। सारा हिंदुस्तान सुखी रहे, खुश रहे। यही भाई कुछ क्या कहा। हरदीप सिंह सैनी जी ने बताया कि ये साल में एक बार त्यौहार मनाया जाता है और साल भर की जितनी भी खुशियाँ हैं उन सबको एक ही दिन हम यहाँ पर सब एकत्रित होते हैं और हंसी खुशी गुरुद्वारा में अरदास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और खुशी का जश्न मनाते हैं। और इसी प्रकार हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय जो कोरोना की महामारी है वो हमारे देश से ना आए, हमारे देश में और देश से दूर ही रहे। गुरुद्वारा में आज हम यही अरदास करेंगे
वो सभी को उन्होंने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि ये जीवन बहुत कम है, हंसी खुशी मिल बांट कर खुशियाँ बांटते चलो, यही जीवन का सच्चा संसार है।